गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा, क्या आपके वो जो बार बार सिर में दर्द होता है, या आपको जो हेडेक बार बार होता है, या माइग्रेन जैसे अटैक आपको बार बार आते हैं, कहीं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के संकेत तो नहीं? विटामिन डी और बोन के बारे में तो आपको बहुत जानकारी है कि अगर विटामिन डी कम होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो आपको बार बार टेंशन हेडेक या माइग्रेन जैसे हेडेक हो सकते हैं? इस कोरिलेशन को आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। Now, ये सब स्टडीज ने बोला दैट विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स के अलावा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट की डिजीजेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के लिए या इम्यून मैकेनिज्म के लिए, ये बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं उनसे बचाने में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स हैं लाइक हेडेक्स एंड अदर क्रॉनिक पेन्स आल्सो, अब स्टडीज ऐसी मानती हैं उसमें विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ विटामिन डी है क्या है? एक्चुअली विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारे शरीर में दो उसमें रहता है, फॉर्म्स में रहता है या दो तरह से रहता है। वन इज द कोल कैल्सिफेरॉल और जिसे आप जानते हैं विटामिन डी थ्री के नाम से। तो जो विटामिन डी थ्री है उसका नाम है कोल कैल्सिफेरॉल। जब हम धूप में निकलते हैं या सन में निकलते हैं तो हमारी बॉडी जब सन को एक्सपोज होती है तो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल से ये विटामिन डी बनता है, जो विटामिन डी थ्री होता है, इसे कहते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। ये बात सही है कि ये जो विटामिन डी थ्री है आपको कुछ फिश से भी मिलता है, जैसे ट्यूना है, सालमन है, इससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। नाउ द सेकंड वन इज द अर्गो कैल्सिफेरॉल। जो अर्गो कैल्सिफेरॉल है दैट इज विटामिन डी टू। ये जो विटामिन डी टू है वास्तव में फंगल जो स्टेरॉल है या जिसे अर्गो स्टेरॉल कहते हैं, जो कुछ खाने के पदार्थों में होता है, उनसे मिलता है हमको। जैसे सन ड्राइड मशरूम्स हैं, उनमें जो अर्गो स्टेरॉल है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इससे हमें अर्गो कैल्सिफेरॉल या विटामिन डी टू मिलता है। इसका मतलब यह है कि विटामिन डी दो उसमें रहता है फॉर्म्स में, वन इज द विटामिन डी थ्री एंड द सेकंड वन इज द विटामिन डी टू। जितने भी आप फोर्टिफाइड फूड्स देखते हैं, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हैं जो फोर्टिफाइड हो, उसमें विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए फोर्टिफाइड फूड्स में किसी भी फॉर्म का जो विटामिन डी है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ आपकी बॉडी में लेवल कितना होना चाहिए? अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के रिजल्ट्स को देखें व्हाट दे से, कि विटामिन डी आपकी बॉडी में हर हालत में 20 नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए। 20 नैनोग्राम पर एमएल इज द कट ऑफ लिमिट। आपका जो विटामिन डी का लेवल है इससे हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। नाउ अगर हम ओल्डर एडल्ट्स को देखें तो ओल्डर एडल्ट्स में ये जो लेवल है एक्चुअली 30 नैनोग्राम है या 30 नैनोग्राम है। तो 30 नैनोग्राम पर एमएल इन द ओल्डर एडल्ट्स, इन 20 नैनोग्राम पर एमएल इन जनरल पॉपुलेशन। नो अगर हम देखें कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, पर्टिकुलरली क्रॉनिक रीनल फेलियर है या दूसरे कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, तो ये जो लेवल्स हैं शायद ज्यादा होने की जरूरत है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर आपको याद रखने की जरूरत है कि विटामिन डी का लेवल 20 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर होना ही चाहिए। नाउ अगर आपका जो बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम होता है, इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक्चुअली करती क्या है? अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है तो इसके ना होने से जो हमारी बॉडी के अंदर एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वो जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है पैराथायराइड हार्मोन को ज्यादा सिक्रीट करने लगती है। इसका मतलब यह है कि विटामिन डी की कमी होगी तो जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, और अगर पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपकी बोन्स में से कैल्शियम को बाहर निकालेगा। तो विटामिन डी कम हुआ तो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा, पैराथायराइड हार्मोन ने जो बोन्स है उनसे कैल्शियम बाहर निकाला, और कैल्शियम अगर बाहर निकलेगा तो आपकी बोन्स में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अगर ये बच्चों में है तो बच्चों में रिकेट्स डेवलप हो जाता है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, और अगर एडल्ट्स में इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो ऑस्टियोमलेशिया डेवलप हो जाता है और जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। नो मोटे तौर पर समझिए कि विटामिन डी कम कहां से होता है। नंबर वन इज द मेल न्यूट्रिशन,
कंट्री के वो सब एरिया जहां के न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है या प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है तो वाइटमिन डी की कमी होने की संभावना है। अगर किडनी या लिवर की कोई डिजीज है तो वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना है। जो मोटे लोग हैं या ओबेसिटी है या बीएमआई ज्यादा है उनको ओबेसिटी के चलते वाइटमिन डी डेफिशिएंसी की संभावना है। ऑल दोस पीपल जिनकी स्किन डार्क होती है उनमें सब में वाइटमिन डी कम होने की संभावना है एंड एशियन कंट्रीज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नाउ गट मैलएब्जॉर्प्शन जिसमें आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है जैसे सीलिएक डिजीज है ट्रॉपिकल स्प्रू है तो वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी होगी। और अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो वास्तव में वाइटमिन डी के मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करती हैं जैसे से फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रॉब्लम के स्टेरॉइड लेते हैं वाइसोलोन लेते हैं ओमनाकार्टेल लेते हैं बेटनिसाल लेते हैं अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपको वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी होगी। नाउ ऑल दोस एरिया जहां लो सनलाइट एक्सपोजर है जहां सन कम समय के लिए निकलता है वहां वाइटमिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसके होने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। नाउ वाइटमिन डी की कमी और हेडेक इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन और कोरिलेशन ऑफ वाइटमिन डी डेफिशिएंसी एंड हेडेक जो रिकरेंट होता है। ये जो तीन रिसर्च स्टडीज हैं इनके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ फर्स्ट जो स्टडी है ये पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ हेडेक पेन में। This was Journal of Headache Pain जिसमें ये study published हुई and what they said was कि वो सब लोग जो increasing latitude में रहते हैं या दुनिया के उन areas में रहते हैं जहां के sunshine कम होता है या जहां पर less intensity होती है धूप की या sun कम समय के लिए expose होता है या कम समय के लिए निकलता है उन those areas जो टेंशन हेडेक या माइग्रेन इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि जहां भी less sunlight होगी वहां वाइटमिन डी का प्रोडक्शन कम होगा और लोअर लेवल ऑफ वाइटमिन डी होगा तो ऐसा माना गया कि जो टेंशन टाइप्स ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन उनका इंसिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि वाइटमिन डी जो है वो वास्तव में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बट द कोरिलेशन इज नॉट वेरी क्लियर। जो वाइटमिन डी है वास्तव में बोन पेन क्रिएट करता है क्योंकि कैल्शियम को मोबिलाइज कर देता है बोन में हल्की सी स्वेलिंग क्रिएट करता है और इसके चलते जो नर्वस सिस्टम है या नर्व्स होती हैं वो सेंसिटाइज हो जाती हैं इसलिए बार बार हेडेक होता है। द सेकंड थ्योरी इज कि जो कैल्शियम की अगर वाइटमिन डी अगर डेफिशिएंट है तो वास्तव में जो मैग्नीशियम है इसका एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वास्तव में टेंशन टाइप जो हेडेक है उससे जुड़ी हुई है। तो पहली जो स्टडी है जो जर्नल ऑफ हेडेक पेन में पब्लिश हुई वो कहती है कि इंक्रीजिंग जो लैटिट्यूड है उसके चलते जो व्हाइट सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है तो वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी एंड वो वास्तव में टेंशन टाइप हेडेक एंड माइग्रेन करती है। नाउ लुक एट दिस स्टडी नंबर 2। जो सेकंड स्टडी है ये कहती है कि वाइटमिन डी के जो लेवल्स हैं वो 100 एडल्ट्स जिन्हें क्रॉनिक टेंशन टाइप ऑफ हेडेक उनमें एवेल्युएट किए गए एंड 100 मैच कंट्रोल में किए एवेल्युएट किए गए जो बिल्कुल हेल्दी थे। नाउ स्टडी ने ये माना कि जिन्हें क्रॉनिक टेंशन टाइप का हेडेक था उनमें वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू दोस जिन्हें जो नॉर्मल हेल्दी कंट्रोल्स थे। वास्तव में जो जिन्हें वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी थी उनको न सिर्फ टेंशन टाइप का हेडेक था इसके अलावा उनको वास्तव में बोन टेंडरनेस एंड मसल जो पेन है वो भी ज्यादा थे। नाउ लुक एट द स्टडी नंबर 3। ये स्टडी पब्लिश हुई थी 2018 में। ये स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में। नाउ स्टडी में एनालाइज किए गए 157 पीपल विथ माइग्रेन जिन्हें माइग्रेन था और 157 लोगों के ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई थी। व्हाट दे फाउंड कि 157 में से 77% लोग ऐसे थे जिनमें वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी थी। इसका मतलब 157 लोग उनको माइग्रेन के हेडेक और उनमें से 77% को वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी। और ये जो डेफिशिएंसी है स्प्रिंग मंथ्स इन विंटर मंथ्स जहां सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है उसमें ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि एपिसोडिक माइग्रेन हो चाहे क्रॉनिक माइग्रेन हो चाहे टेंशन टाइप का हेडेक हो वास्तव में ये वाइटमिन डी की जो डेफिशिएंसी है इससे जुड़ा हुआ है। नो ऐसा नहीं है कि वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी और हेडेक ये बिल्कुल कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से लेकिन ये बात सही है कि ये जो स्टडीज हैं ये पिन पॉइंट तो करती हैं कि अगर बार बार आपको सिर में दर्द हो रहा है
आपने सभी इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, तो वास्तव में आपको विटामिन डी का जो लेवल है उस पर ध्यान देने की जरूरत है एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिकमेंडेशंस को देखें कि जो एडल्ट्स जिनकी एज 70 साल से कम है उन्हें रोज चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी पर डे। तो अगर आप 70 साल से नीचे हैं तो आपको ध्यान देना है कि 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए रोज, और अगर आपकी एज 70 के ऊपर है तो आपको 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए पर डे। ये आपकी जो डोज है ये आपको चाहिए। नो, अगर आप अवेयर हैं कि जो बार बार सिर में दर्द होता है, आपके सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वास्तव में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का संकेत हो। तो अगर ऐसा लगता है तो वास्तव में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आप उन रिस्क फैक्टर्स में तो नहीं हैं जहां विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। चाहे आपकी स्किन डार्क है, चाहे आपको मोटापा है, चाहे आपको किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे आपका सन का एक्सपोजर लो है, आप बेसमेंट में काम करते हैं, आप वास्तव में जो उन उस एरियाज में काम करते हैं जहां सन का एक्सपोजर नहीं है, तो अपने रिस्क जो फैक्टर्स हैं उनको एक बार ध्यान से पहचानिए। अगर आपको लगता है कि आपका हेडेक परसिस्टेंट है, बार बार परेशान कर रहा है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए एंड बात करिए कि कहीं विटामिन डी का लेवल तो कम नहीं है, एंड वास्तव में आपको अपना जो विटामिन डी का लेवल है उसको चेक कराने की जरूरत है। और अगर कम है तो सप्लीमेंट को ट्राई करिए एंड देखिए उससे कैसा रिजल्ट आता है। तो जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो हड्डी की प्रॉब्लम तो करती है, बोन में प्रॉब्लम तो करती है, बोन पेन तो करती है, ऑस्टियोमलेशिया करती है, रिकेट्स करती, सब करती है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टडीज जो कहते हैं कि जो आपको बार बार टेंशन टाइप का हेडेक होता है, बार बार आपको जो माइग्रेन होती है या आपको क्रॉनिक माइग्रेन होती है, यह भी कभी कभी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। तो विटामिन डी एंड रिकरेंट हेडेक, इस कॉम्बिनेशन को समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।